हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर थ्री का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिजम एंड अनसेचुरटेड फैटी एसिड्स तो हम इस टॉपिक में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो आइसोमेरिज्म है उसको पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड एक्सिस तो अनसेचुरटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है मतलब जो हमारे पास जो डबल बॉन्ड के अराउंड एक्सिस होता है उस उसपे जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन होती है उस पर डिपेंड करता है ये आइसोमेरिज्म और अगर हमारे पास जो ग्रुप्स है वो हमारे पास अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्फिगुरेशन दसिक एसिड इज अस आइसोमर वोमर एज डिटेड इन फिगर थ्री पॉइंट वन दस हमारे पास जो एसिड है वो सिस्ट आइसोमर है और एल एसिड जो है वो हमारे पास ट्रांस आइसोमर है ये दोनों हमारे पास फिगर थ्री पॉइंट वन में दिखाए गए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ फिगर थ्री पॉइंट वन ये हमारे पास फिगर थ्री पॉइंट वन है इसमें क्या हैचुरेटेड फैटी एसिड दिखाई गई है तो ये हमारे पास सिर्फ फॉर्म है ये हमारे पास ट्रांस फॉर्म है ये ओलिक एसिड है ये एल एसिड है अब ओलिक एसिड में देखें आप जो हमारे पास असायल ग्रुप्स हैं ये हमारे पास डबल बॉन्ड की सेम साइड पे प्रेजेंट है और एलईडी एसिड में देखें ये जो हमारे पास असाइल ग्रुप्स हैं ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हैं सिस जो है वो हमारे पास लेस स्टेबल हैं ट्रांस आइसोमलीचुरेटेड फैटी एसिड्स एग्जिस्ट आइसोमर्स तो मोस्ट ऑफ द नेचुरली अक्रिंग जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो हमारे पास सिस आइसोमर्स होते हैं इन दिस आइसोमेरिक फॉर्म देर इज अ मोलिकुलर बाइंडिंग एट द डबल बॉन्ड आइसोमेरिक फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास मोलिकुलर बाइंडिंग होती है डबल बॉन्ड पे दोलिक एसिड एग्जिस्ट इन एल शेपिक एसिड इज अट्रेट चेन इसलिए जो हमारे पास ओलिक एसिड है वो हमारे पास एल शेप में होता है क्यूँकी इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड की बाइंडिंग होती है लेकिन हमारे पास जो एलिडिक एसिड है वो हमारे पास स्ट्रेट चेन होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विल कॉज मोर बैंड्स एंड रेकिडोनिक एसिड विद फोर डबल बॉन्ड्स विल

पैक कर देती हैं इसके बाद हमारे पास टॉपिक है हाइड्रो फैटी एसिड्स सम ऑफ द फैटी एसिड्स आर हाइड्रो कुछ फैटी एसिड हमारे पास हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटाइड्रोक्टैरिक एसिड वन ऑफ द कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिज्म इज सिंपल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स तो जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटैरिक एसिड है जो कि हमारे पास एक कीटोन बॉडी है जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स की सेरिब्रोनिक एसिड एंड रेसिनोलिक एसिड आर्म लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स तो सेरिब्रोनिक एसिड और रेसिनोलिक एसिड ये हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स हैं इसके बाद हमारे पास टॉपिक है साइक्लिक फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स विद साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर रादर रेयर ऐसे फैटी एसिड्स जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो ये हमारे पास रेयरली प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल कॉर्मोग्रिक एसिड फाउंड इन कॉलमोग्रा ऑयल यूज इन लेप्रोसी ट्रीटमेंट कंटेन्स साइक्लोपेंटिनाइल रिंग एग्जाम्पल क्या हमारे पास कॉलमोग्रिक एसिड जो की हमारे पास कॉलमोग्रा ऑयल में प्रेजेंट होता है उसको हम लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज करते है तो इसमें हमारे पास एक साइक्लोपेंटिनाइल रिंग होती है इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इकोसोनाइड्स तो इकोसोनोइ्स के हमारे पास दीज कम्पाउंड आर रिलेटेड टू इकोसापोली एनोक फैटी एसिड्स एंड इंक्लूड प्रोस्टाग्लैंड प्रोस्टा दे आर देस टूगेदर चैप्टर थर्टी टू तो सुनाइक्स हमारे पास वो कम्पाउंड है जो हमारे पास इकोसा पोली फैटी एसिड से रिलेटेड है और इसमें हमारे पास कौन से कम्पाउंड है प्रोस्टाग्लैंड हैं प्रोस्टा हैं लिकोट्राइन हैं थ्रोम्बोक्स हैं तो इसको हम चैप्टर थर्टी टू में डिस्कस करेंगे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू